रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। शुरू में 282 किलोमीटर 2.109 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर किया गया था। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक घोषित किया गया था और 1 नवंबर 1980 को एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। 1984 में आसपास के जंगलों को सवाई मानसिंह अभयारण्य और केला देवी अभयारण्य घोषित किया गया था। 1992 में टाइगर रिजर्व का विस्तार उत्तर में केला देवी अभयारण्य और दक्षिण में सवाई मानसिंह अभयारण्य सहित अन्य वनों को शामिल करने के लिए किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 1334 किलोमीटर है 515 वर्ग मील। यह उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है। इसका नाम ऐतिहासिक रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है जो पार्क के भीतर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह पार्क दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है जो जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। कभी जयपुर के महाराजाओं के प्रसिद्ध और पूर्व शिकारगाहों में से एक माना जाता था। आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र एक प्रमुख वन्यजीव पर्यटक आकर्षण है जिसने कई वन्यजीव फोटोग्राफरों और प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। यह उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है। इसका नाम ऐतिहासिक रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है जो पार्क के भीतर स्थित है। हमारा ये हिस्टोरिकल चैनल पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो हम मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ।